जगह बहुत ज्यादा नहीं है, यार्ड का एक्सपेंशन नहीं किया जा सकता है। कोई भी प्लेटफॉर्म विस्तार का मतलब है यार्ड को रिमॉडल करना। यार्ड को रिमॉडल करने का मतलब है कि जगह होनी चाहिए। हम चाहेंगे उनसे कि अच्छी कार्य को करें और प्रगति के रास्ते। सर आप देख रहे हैं सर, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, इस वक्त हम है पटना साहिब रेलवे स्टेशन पे। अभी दानापुर रेल मंडल के DRM जयंत कुमार चौधरी जी पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और यहाँ के दृश्य का मैं ताज़ा अपडेट मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ 24 सितंबर को वंदे भारत का शुभारंभ होने जा रहा है। इसके लिए पूर्व में तैयारियाँ चल रही है, रेलवे से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी लोग लगे हुए हैं। किस तरह का तैयारियाँ हैं वंदे भारत में, अतिथियों जो गेस्ट है उनको आने का, कौन कौन लोग आ रहे हैं, ये इसी मुद्दे पर आए हैं DRM जयंत कुमार चौधरी जी। हम तमाम चीज़ों से आपको अवगत करवाते हैं वो क्या कर रहे हैं। और जब यहाँ का जब स्थिति देखिएगा तो काफ़ी साफ सफाई किया गया है। और एक बात है कि पहले साफ सफाई नहीं हुआ करता था, लेकिन जैसे ही कोई बड़े अधिकारी आते हैं तो यहाँ पर साफ सफाई कर दिया जाता है। चलिए अच्छी पहल है। यहाँ पर अभी बांस बल्ला और खास करके यहाँ पर टेंट पंडाल लगाने की व्यवस्था कवायद शुरू हो गई है। हम तमाम चीज़ों से आपको अवगत करवाएंगे। ये बहुत पहले से इस स्टेशन पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट दिए गए हैं और मॉडल स्टेशन की सभी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। जो पैसेंजर एमिनिटी के हिसाब से, हमारे अर्निंग के हिसाब से, क्लास ऑफ स्टेशन के हिसाब से जो एमिनिटीज चाहिए वो सारी एमिनिटीज, मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज कहलाती हैं, वो सारी की सारी यहाँ उपलब्ध हैं। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। भारत का विस्तार की बात हो रही थी सर, और इसके लिए सिलेटर फ्री और क्या बोलते हैं लिफ्ट की बात भी यहाँ पर अभी तक नहीं हो पाया। शिलान्यास बोर्ड लगा हुआ है, अब तक ना होने का क्या वजह है, क्या करें? आप देखिए कि यहाँ जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, यार्ड का एक्सपेंशन नहीं किया जा सकता है। कोई भी प्लेटफॉर्म विस्तार का मतलब है यार्ड को रिमॉडल करना। यार्ड को रिमॉडल करने का मतलब है कि जगह होनी चाहिए यार्ड में, जगह है नहीं, बाकी संभावनाएं और तलाश करेंगे। इसके लिए उद्घाटन का बोर्ड लगा हुआ है सर, आगे DRM किस तरह घोषणा की थी यहाँ पर? DRM ने यहाँ घोषणा किया था कि इसे लिफ्ट बनाया जाएगा सीधी और सिटी से लेफ्ट साइड, ठीक है, कि जल्दा रोड से लेके पटना साहिब स्टेशन तक सीधी की बात है, ठीक है, पब्लिक प्लेस है वो एग्जामिन करा लेते हैं जो है। आज आपसे यहाँ पर इलेक्शन किए हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं से कितना संतुष्ट है? अभी तो बहुत ही संक्षिप्त निरीक्षण रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वंदे भारत का एक इनॉग्रल रन होना है, उस कनेक्शन में पूरे सेक्शन को देखना है। आज का निरीक्षण अभी तक तो संतोषजनक रहा है। आगे बृहत इंस्पेक्शन करेंगे तो बृहत वार्ता करेंगे। अब नए DRM आए हैं, हम चाहेंगे उनसे कि अच्छी कार्य को करें और प्रगति के रास्ते पर बढ़े, चूँकि ये एक धार्मिक स्थल है, आप अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। जय हिंद। डॉक्टर विनोद अवस्थी। पूरे रेल मंडल के DRM जयंत कुमार चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से बताया। और तैयारियां जिस तरह वंदे भारत बिहार में, ये दूसरा है, पहला पटना से रांची और दूसरा पटना से हावड़ा वंदे भारत का, ये परसों जो 24 तारीख को है उस दिन का शुभारंभ है। और यहाँ पर तमाम विशिष्ट अतिथि लोग आएंगे, मुख्य अतिथि लोग आएंगे, यहाँ से ही शुरुआत होगी। और साथ में जब देखा जाता है तो यहाँ पर तैयारियाँ, जी हाँ, वंदे भारत का आने का यहाँ पर तैयारियाँ शुरू कर दी गई है। अब देखना है कि बिहार का ये दूसरा वंदे भारत यहाँ से जब पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर रुकेगी, तो यहाँ पर पहले से इंतज़ार बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ के जो यात्री है उनका भी चाह है, उनकी भी आशा है कि मैं भी सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन पर सफ़र करूँगा। SSR2 आप देखते रहिए। जय हिंद।